नौशहरो फिरोज में पट ईदन स्टेशन के करीब आलमा इकबाल एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गई। रेलवे ज़रा के मुताबिक आलमा इकबाल एक्सप्रेस कराची से सियालकोट जा रही थी। ट्रेन की 2 से 3 बोगियां डीरेल हो गई। हादसा वाली जगह के लिए रेलवे पुलिस और रेलवे अमला रवाना हो चुका है। रेलवे पुलिस के मुताबिक ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतरी हैं और तमाम मुसाफिर महफूज हैं। आपको यहां पर अहम खबर से आगाह करते चलें, ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतरी हैं और तमाम मुसाफिर महफूज हैं। आपको बताएं कि ट्रेन की 2 बोगियों से 3 बोगियां डीरेल हो गई हैं। हादसे वाली जगह के लिए रेलवे पुलिस और रेलवे अमला रवाना हो चुका है। यहां पर आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, रेलवे ट्रैक के मुताबिक आलमा इकबाल एक्सप्रेस कराची से सियालकोट जा रही थी। ट्रेन की 2 से 3 बोगियां डी रेल हो गई हैं। हादसे वाली जगह के लिए रेलवे पुलिस और रेलवे अमला रवाना हो चुका है। रेलवे पुलिस के मुताबिक ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतरी हैं और तमाम मुसाफिर महफूज हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतरी हैं, तमाम मुसाफिर महफूज हैं। रेलवे पुलिस की जानिब से ये बताया गया है। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते हैं चलें, नौशहरो फिरोज में पटीदन स्टेशन के करीब आलमा इकबाल एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गई। रेलवे ज़राए के मुताबिक आलमा इकबाल एक्सप्रेस कराची से सियालकोट जा रही थी। ट्रेन की 2 से 3 बोगियां डीरेल हुई। हादसे वाली जगह के लिए रेलवे पुलिस और रेलवे अमला रवाना हो चुका है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हाफिज़ मुजम्मिल, उससे तफसीलात जानते हैं। हाफिज़ मुजम्मिल, क्या कहेंगे, ये ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पटरी रेलवे स्टेशन के करीब इलामा इकबाल एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। इलामा इकबाल एक्सप्रेस जो कराची से सियालकोट जा रही थी, ट्रेन की 2 पटरियां होते हैं, ट्रेन 3 रेलवे से उतर गई है। हादसे की वाली जगह पर रेलवे काम अमरा रवाना कर दिया गया। जब हमारी इसी वाले डीएस रेलवे से बात हुई, उनको फोन उठाने से नहीं रब्ता नहीं हो चुका, और स्टेशन मास्टर से हमने पूछा तो उनका कहना था कि ये 3 से 4 घंटे लगेंगे इसको काम रेलवे का काम करने में। जी अच्छा, बताइएगा हाफिज मुजम्मल कि ये हादसा कैसे रोनमा हुआ, किसी गफलत की वजह से रोनमा हो, क्या वजह है कि ये हादसा हुआ? ये हादसा और पटरी की वजह से हादसा रोनमा हुआ, इस वजह से 3 पटरियां की उतर गई हैं और मुसाफिर जो हैं वो नीचे उतर गए। अच्छा, मुसाफिर कोई किसी के जख्मी होने की या कोई इत्तलात, कितने मुसाफिर जख्मी हुए? नहीं, अभी तक मुसाफिर जख्मी होने कोई इत्तलात नहीं है और ना ही कुछ जाने नुकसानों का। बहुत शुक्रिया हाफिज मुजम्मल तफसीलात से आगाह करने के लिए।